नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा अजवाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनाव में हम नाम उतरे थे। हालांकि हम नामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहां से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम टिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम साय सिंह टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे APOOI से उम्मीदवारी की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे JAC के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। जो
हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम साय सिंह, उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम साय सिंह निर्दलीय के रूप में, वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हमनाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में, तो यहां राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 1779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे रामकुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी उन्हें मिले थे 121,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हमनाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हमनाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है, तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जवाहर।